राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल जी की इस मुहिम में, आम आदमी पार्टी की इस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं, और ये जो गैर लोकतांत्रिक असंवैधानिक अध्यादेश केंद्र में बैठी मोदी सरकार लाई है, उसे परास करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, निरस्त करने के लिए राज्यसभा के भीतर तमाम पार्टियां एकजुट होती जा रही हैं, और ये हमारा विश्वास है कि हम राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराएंगे, इसे निरस्त करेंगे। ये अध्यादेश दिल्ली में चुनी हुई सरकार को शक्तिहीन करने के लिए, नपुंसक बनाने के लिए लाया गया है, और ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अवश्य किया है, लेकिन अगर दिल्ली में ये प्रयोग सफल हो जाता है तो बीजेपी का इरादा है कि इस अध्यादेश के माध्यम से और इस प्रकार के कानून लाकर देश की तमाम गैर भाजपा सरकारों को शक्तिहीन करो, निरस्त करो और नपुंसक बनाओ। इसीलिए तमाम पार्टियां साथ आती जा रही हैं। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष को सत्ता दिलाने की नहीं है, ये लड़ाई देश में लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की है, और तमाम लोग जो भारत माता से स्नेह करते हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो एक झंडे तले आते जा रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि इस अध्यादेश को हराया जाए, गिराया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाया जाए। और मैं अंत में कहूँगा, अगर तमाम पार्टियां मिलकर राज्यसभा के पटल पर इस अध्यादेश को ध्वस्त कर देती हैं, इसे गिरा देती हैं, तो ये 2024 की एक तमाम राजनीतिक दलों की एकता के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश के तौर पर काम करेगा। अगर हम लोग राज्यसभा के भीतर तमाम राजनीतिक दल, गैर भाजपा दल अपनी एकता सिद्ध कर पाते हैं इस बिल के माध्यम से, इसका मतलब ये भी हो सकता है और देखना चाहिए इस नज़रिए से भी कि 2024 के लिए तमाम पार्टियां एक विषय से जुड़ते हुए एकजुट हो सकती हैं, चाहे वो विषय लोकतंत्र बचाने का हो, चुनी हुई सरकार की शक्तियों को की पुनर्स्थापना करने का हो, या देश में संविधान को बचाने का हो। कई गैर भाजपाई दल अभी भी आपके समर्थन में नहीं आया, 23 जून को जो विपक्षी दलों की मीटिंग है, क्या उसमें आप लोग एक मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि सीएम ने कहा कि उसमें मैं आपको 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 साफ कर दूं, 23 जून को राजनीतिक दलों की बैठक जो पटना में बुलाई गई है, जिसमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हिस्सा लेंगे, उस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा इस अध्यादेश को कैसे संसद के भीतर, राज्यसभा के भीतर हराया जाए, ये होने जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस देश की आज दो खेमों में बंटती जा रही हैं। एक खेमा है जो इस अध्यादेश के खिलाफ है और इसे निरस्त करने में सदन के भीतर इस अध्यादेश के खिलाफ वोट देगा, और दूसरा खेमा है जो इस अध्यादेश के समर्थन में है। और मुझे लगता है कि 23 जून की बैठक से तमाम परिस्थितियां और साफ हो जाएंगी। दबाव बनेगा, आपको लगता है कांग्रेस सपोर्ट में आएगी? देखिए, मेरा ये अपना मानना है कि हर वो राजनीतिक दल जो संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उसे इस अध्यादेश के खिलाफ वोट डालना होगा, और आप उन्हें स्वेच्छा से कहें या अपनी मजबूरी से कहें, उन्हें इस अध्यादेश को गिराने में आम आदमी पार्टी का साथ देना होगा। और मैं अंत में इतना कह दूं बस कि ये अध्यादेश राज्यसभा के भीतर जब आएगा, आप उस चुनौती को 2024 के सेमीफाइनल की चुनौती के तौर पर भी देख सकते हैं। एक अंतिम सवाल, जो तमिलनाडु के एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है, आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट इशू किया, अरविंद केजरीवाल ने भी उसकी मुखालफत की, आप कैसे देखते हैं? देखिए, तमिलनाडु सरकार के ऊर्जा मंत्री पे जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई और जिस अमानवीय तरीके से, इनह्यूमन तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसकी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है, और भारतीय जनता पार्टी को एक हिदायत देना चाहती है कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई छोड़कर, अगर आपको लगता है कि आप विपक्ष समाप्त कर देंगे या उन राज्यों में खूब वोट बटोर लेंगे, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। आज से पहले, भारतीय जनता पार्टी का युग आने से पहले, जब ईडी और सीबीआई किसी शख्स पर रेड किया करती थी, तो जनता सोचती थी कि ज़रूर इस शख्स ने कोई गंदा काम किया होगा, गलत काम किया होगा, गलत आदमी होगा, तभी उस पर ईडी सीबीआई की रेड हुई। लेकिन आज के भाजपा के दौर में जब ईडी सीबीआई किसी पे रेड करती है, तो लोग सोचते हैं कि ज़रूर जिस शख्स पे रेड हुई है, ये अच्छा आदमी होगा, इसने समाज के लिए कोई अच्छा काम किया होगा, लोकप्रिय शख्स होगा, तभी बीजेपी को उसे डर लगता है और बीजेपी ने ईडी सीबीआई छोड़कर उस पर रेड करी है। ये धारणा जो लोगों के बीच बदली है, ये बदलती हुई धारणा बीजेपी की एजेंसियों की,
कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। आज बीजेपी इन एजेंसियों को अपने फ्रंटल यूनिट की तरह चला रही है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि लोगों का विश्वास इन एजेंसियों से उठता जा रहा है, लोगों का विश्वास आपकी पार्टी से भी उठता जा रहा है। इन ईडी और सीबीआई के जो दुरुपयोग है, इसे बंद करिए। चुनावी मैदान में आकर विपक्षी दलों से चुनाव लड़िए। ईडी सीबीआई के सहारे ना चुनाव लड़े जाते हैं, ना चुनाव जीते जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।